अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायंस। आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम एक न्यूज़पेपर ऐप बनाएंगे जिसमें फ्रंट एंड हम React.js कंपोनेंट लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे और बैक एंड हम लारावेल के साथ बनाएंगे। मीन दो सेपरेट ऐप होंगी, एक React.js की ऐप होगी, एक लारावेल की ऐप होगी। और लारावेल की ऐप में हम APIs बैक एंड कोड वगैरह लिखेंगे और फ्रंट एंड React.js की ऐप में हम फ्रंट एंड का UI डिज़ाइन करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको मेनली जो रिक्वायरमेंट्स होंगी प्रोजेक्ट की उनको गो थ्रू करवाऊंगा और चीज़ें दिखाऊंगा जो हम कवर करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एंड के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे और फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज़ बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो अगर आपने अभी तक ज़ायंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि सीरीज़ के रिलेटेड और बाकी सीरीज़ के रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम पब्लिश करें वो पहले आप तक पहुँच जाए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आपके लिए एक शॉर्ट URL मैंने बना दिया, zions.com/newspaper-app-development-course। इसको आप विजिट करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसको विजिट करता हूँ तो आपके सामने ये एक PDF ओपन हो जाएगी और ये हमेशा आपके सामने अप टू डेट फॉर्मेट में ही ओपन होगी, जिसमें कि जो हम इस कोर्स में कवर कर रहे होंगे वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया कि एक न्यूज़पेपर ऐप बनाएंगे, वेबसाइट और मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको एट द एंड ऑफ कोर्स बताऊंगा और मेनली हम वेबसाइट पे फोकस कर रहे होंगे, उसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। फ्रंट एंड के लिए हम React.js यूज करेंगे, बैक एंड के लिए हम लारावेल यूज करेंगे, MySQL डेटाबेस और थर्ड पार्टी APIs जहां से हम न्यूज का कंटेंट लेके आएंगे। उसके अलावा ये इसी डॉक्यूमेंट में एक और पेज का लिंक है, इसकी न्यू वीडियोज आती जाएंगी तो वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी, तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए ये बनाया गया। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हम ऑथ स्क्रीन्स बनाएंगे, दो ऑथ स्क्रीन होंगी, एक रजिस्टर के लिए एक लॉगिन के लिए। जब यूजर रजिस्टर या लॉगिन कर चुका होगा उसके बाद यूजर के पास ऑप्शन होगा जहां पे यूजर रीडायरेक्ट होगा वो सर्च आर्टिकल का पेज होगा या लिस्ट आर्टिकल का पेज, उसको कह देते हैं। स्टार्ट में हम एक लेआउट को फॉलो करेंगे, ग्रिड या लिस्ट, और एट द एंड ऑफ कोर्स अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम उसको दूसरी लेआउट में भी कन्वर्ट कर देंगे, अदरवाइज वो आपका चैलेंज टास्क होगा। जहां पे कि हम न्यूज आर्टिकल्स को डिस्प्ले करवाएंगे, उनका टाइटल, अगर इमेज होगी वो, थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन जो होगी वो चीज, जो चीज़ हम शो करवाना चाहेंगे उस चीज़ को हम वहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली इस पेज पे यूजर के पास अबिलिटी होगी, ऊपर एक सर्च बॉक्स होगा जिसमें कि यूजर जब कोई कीवर्ड एंटर करेगा, कोई भी लफ्ज, तो हम उसके टाइटल में से जो न्यूज टाइटल होगा उसमें से उसको सर्च करेंगे। उसके बाद यूजर के पास अबिलिटी होगी कि वो जो न्यूज हो उनको डेट, कैटेगरी और सोर्स वाइज फिल्टर कर सके, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा कि हम थर्ड पार्टी API को यूज करते हुए इस न्यूज को लेके आ रहे होंगे, तो उसमें से उसके पास ऑप्शन होगा कि ओके मैं इस सोर्स में से देखना चाह रहा हूँ इनपुट, इस सोर्स में से नहीं देखना चाह रहा। नेक्स्ट एक और पेज होगा पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड का, जिसमें कि यूजर के पास अबिलिटी होगी, उसकी लेआउट ऑलमोस्ट इसी तरह होगी लेकिन इसमें बेसिकली हम यूजर को वो वाली न्यूज दिखा रहे होंगे जिस जो कि उसने ऑप्शन प्री डिफाइन सेलेक्ट किए होंगे, बेसिकली सोर्स, कैटेगरीज और ऑथर। ये यूजर के पास ऑप्शन होगा कि वो प्री डिफाइन को सेलेक्ट कर दे अपनी प्रेफरेंस में, जो कि उसी पेज पे एक ऑप्शन होगा, बटन होगा, जिससे हम किसी तरह एक सेटिंग का पेज या पॉपअप मॉडल को शो करवाएंगे जिसमें कि वो उस सेटिंग को करवा होगा। और लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके डाटा सोर्सेज को। मैंने यहाँ पर 3 से 4 जो सोर्सेज हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया है, आप इनके अलावा भी यूज कर सकते हैं। इस कोर्स में हम मेनली इनको यूज कर रहे होंगे। अगर मैं आप इस पे क्लिक करके इनको ओपन भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके रखें और इन पे क्लिक करें, ये न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। एक ये API हम यूज कर रहे होंगे, उसके बाद एक ये वाली API यूज कर रहे होंगे। इस वेबसाइट पे आपको साइन अप करने के लिए या साइन इन करने के लिए एक कंपनी ईमेल की जरूरत होगी। कंपनी ईमेल का क्या मतलब है कि आपकी जो जीमेल एड्रेस है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप कोई भी, अगर आपके पास डोमेन है तो आप इस पे एक अकाउंट सेटअप कर सकेंगे, जैसे कि मैंने इस पे अकाउंट सेटअप करने के लिए अपनी जो पर्सनल ईमेल थी ehsan@zions.com उसको यूज किया और उसके थ्रू एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। ये वेबसाइट, इस पे आप जीमेल के साथ अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे, तो ये आपके पास एक ऑप्शन है अगर आप इस पे ना क्रिएट कर सकें। सेम ये वेबसाइट पे भी ऐसे ही है, इस पे भी आप इजीली
अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे, और लास्टली इस वेबसाइट पे भी आप काफ़ी इजीली अकाउंट क्रिएट कर सकेंगे। सिर्फ ये पहली वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है कि इसको एक कंपनी ईमेल चाहिए, और ये जो पब्लिक ईमेल है उसको यूज़ नहीं करेगा। ओके, वापस आ जाते हैं यहाँ पर। इसी के साथ हमारे डाटा सोर्सेज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी ऐप में उनको। अदर रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला पॉइंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि दो ऐप्स होंगी, एक फ्रंट एंड की अलहदा ऐप होगी और बैक एंड की एक अलहदा ऐप होगी, और इसमें हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी है, जैसे कि ड्राई का कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके बाद ये कीप इट सिंपल शोप इट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, सॉलिड का कॉन्सेप्ट जो कि पांच डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे कंसिस्ट करता है। तो इसमें आप बेसिकली इन कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे कि ओके इन ये कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं और इनको किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं। लास्टली अगर हमें प्रोजेक्ट में कहीं पे जरूरत पड़ी इमेजेस यूज करने की, तो उसके लिए हम पिक्सल की या अनस्प्लैश की एपीआई को यूज करेंगे। इनके लिंक्स भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि अगर आप में से कोई भी इसको स्टडी करना चाहिए, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत ही इजीली इन दोनों की आपको एपीआई भी की भी मिल जाएगी और आराम से आप इनको यूज कर सकेंगे। यही मेनली हम कर रहे होंगे। लास्टली अगर आपने कोई भी फीडबैक देना होगा या कॉन्टैक्ट करना होगा, तो मैंने साथ ही इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी ऐड कर दी हैं, ताकि अगर आपने कोई भी फीडबैक कोर्स के रिलेटेड प्रोवाइड करना हो तो आप उसको प्रोवाइड कर सकें। और हमेशा की तरह आप कोर्स के कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझे आगाह कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। इस कोर्स में हम एक कंप्लीट वर्किंग प्रोफेशनल न्यूज़ ऐप बनाने वाले हैं, जिसके थ्रू आप रिएक्ट जेएस और लारावेल के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह सीख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अब हम रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, और उसमें जो यूआई लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे और बाकी जो पैकेजेस हम यूज़ कर रहे होंगे उनको सेटअप करके फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एंड के प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.